मजबूत इरादा रखते हैं बैरिस्टर साहब के सिपाही हैं। बिजनौर जीत रहे हैं आप 100%। आप जनता, अरे भैया जीत रहे ना, जीत रहे पक्का, कर दूं वादा, हो गया बटन दब जाएगा पतंग पे, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया ये बंदा सीधा साधा। तो बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब एक सीधे सच्चे इंसान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आप मुसलमान से ना जोड़े, हम हिंदुस्तान के हर कोने के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। क्या मैं मुसलमान आपको नजर आता हूँ? अरे एक पंडित गामा क्यों होने से कुछ एक, नहीं होगा। एक पंडित ही नहीं, सैकड़ों हजारों पंडित हर जाति के लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये पार्टी मुसलमानों की बात इसलिए करती है क्योंकि आज़ादी के बाद अगर कोई सबसे पिछड़ा, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से अगर सबसे पिछड़ा कोई रह गया, राजनीतिक रूप से कोई पिछड़ा रह गया, तो वो मुसलमान रह गया। तो भैया जो कमजोर होगा उसी की बात हम करेंगे ना। अब चौधरियों की बात हम क्या करें? अब धन्ना सेठ अगर कोई आ जाए हमारे सामने और एक गरीबों पे जुल्म हो रहा हो, तो क्या मैं धन्ना सेठ का चाय पीने जाऊंगा या गरीबों का नमक रोटी खा करके उसका साथ देने का काम करूंगा? क्या बात है! तो ये पहचान है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप मुसलमान से ना जोड़े, हम हिंदुस्तान के हर कोने के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। और हर चेहरे पे मुस्कान लाना ये हमारे सोच में है। जिस उत्तर प्रदेश में आप चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनकी तैयारियां कर रहे हैं, इसी में रामपुर एक सीट है जहां पर बार बार आपके नेता, आपकी पार्टी के लोग आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं आजम खान को लेकर, लेकिन वो जेल में अभी बंद है। क्या वहां पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ाएगी? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, लेकिन रामपुर की जनता चाहती है कि वहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी हो। अब ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष पे है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे 80 सीट पे लड़ना है, 80 सीट पे हम लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। हम किसी से दब नहीं रहे। भाजपा आ जाता हो, कल भाड़ में जाता हो, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी जो अपने आप को समझती है कि मुसलमान उसका बपौती वोटर है, वो ये समझती है कि मैं गुड्डू जमाली को MLC बना करके मुसलमानों का वोट ले लूँगा, तो ये संभव नहीं है। गुड्डू जमाली MLC हो सकता है, लेकिन एक गरीब मुसलमान के साथ जो द्वयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, ये उत्तर प्रदेश की तो जनता। आपकी पार्टी भी तो गुड्डू जमाली को गले लगाए थे। अब देखो आप, अब हमने तो आपको अपना बनाया, यानी कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया ये बंदा सीधा साधा। तो बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब एक सीधे सच्चे इंसान है। उन्होंने विश्वास किया कि गुड्डू जमाली अपने कौम की आवाज़ को उठाएगा, गुड्डू जमाली कमजोरों की आवाज़ बनेगा, और उन्होंने पूरी ताकत से उनको चुनाव लड़ने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला अगर कोई उम्मीदवार रहा तो गुड्डू जमाली रहा। फिर लोकसभा चुनाव आता है, उपचुनाव होता है उसी आजमगढ़ की धरती पर, उस आजमगढ़ से वो पुनः बसपा की ओर चले जाते हैं। उसके बावजूद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया कि अपना उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं किया कि चलो गुड्डू जमाली अगर जीत जाएगा तो गरीबों का, कमजोरों का, मुसलमानों का आवाज मजबूती के साथ उठाने का काम करेगा। लेकिन वो गुड्डू जमाली साहब न हमारा रहे, न बसपा के रहे, और MLC की लालच में अखिलेश जी से कह दिया कि भैया आप हमें MLC बना दो, मुसलमान का वोट आपका। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ वालों, तुम्हारी पहचान अपराधियों के तौर पर कराने वाला कोई और नहीं समाजवादी पार्टी है। जिस आजमगढ़ ने एक से एक कवि देने का काम किया, जिस आजमगढ़ ने एक से एक योद्धा देने का काम किया, आज उस आजमगढ़ को अपराधीगढ़ के नाम से लोग पुकारने का काम करते हैं। और ये काम अगर किसी ने किया तो बसपा, सपा और भाजपा ने किया। और वहाँ के कमजोर मुसलमानों पर नित्य योगी बाबा की पुलिस जुल्म करती है, उसके खिलाफ अगर मुखरता से कोई बोलता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलता है। तो आप देखना कि आजमगढ़ की जनता इस बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब को जबरदस्त वोटिंग करने जा रहे हैं, और सब सोचते रह जाएंगे कि ये क्या से क्या हो गया, और सीट निकाल करके लखनऊ, दिल्ली में बैठ करके आजमगढ़ की मजबूती की बात करेंगे। कितनी सीटें जीत रही है आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में? अभी तो हम कितने सीटों पे लड़ रहे हैं ये फाइनल हो जाने दें आप, और हिंदुस्तान 18-20 सीटें उन्होंने कहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने 25 सीटों का डाटा दिया है उन्हें, जितने पे उनका निर्णय आ गया, जो वही सीट हम लड़ेंगे जहां हम जीत रहे हैं, हम हारने के लिए कोई सीट नहीं लड़ रहे हैं। बिजनौर जीत रहे हैं आप 100%। आप जनता, अरे भैया जीत रहे ना, जीत रहे पक्का, कर दूं वादा, हो गया बटन दब जाएगा पतंग पे, तो भैया लिख लो कोरे कागज पे कि हम यहाँ से जीतने जा रहे हैं। वादा रहा, नहीं जीते हम दोबारा आपसे बात करेंगे। हम भागने वालों में से नहीं है, जीवट है, मजबूत इरादा रखते हैं, बैरिस्टर साहब के सिपाही हैं। आप थोड़ा हमें बताइए कि यहाँ की जनताओं के लिए क्या कुछ करेंगे अगर आप जीत के जाते हैं लोकसभा में? सारा जो दिख रहा है आपको, कॉलेज, हॉस्पिटल और
स्टेडियम वगैरह इन चीजों की तैयारी है। इनको देख करके इतना तो महसूस कर रहे होंगे कि ये नेता नहीं है। हाँ। इनको नेता बना कौन रहा है? जनता बना रहा है। ये जनता की डिमांड है अब्दुल्ला चौधरी। जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है कि अब्दुल्ला चौधरी उसका नेतृत्व करे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिद्धांत रहा है कि नाली और खरंजों से अगर समाज का भला होता हो तो अपने पैसे से भी हम लगवा दें, लेकिन नाली और खरंजों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। जब तक जिस समाज, उस समाज को राजनीति की चाबी नहीं मिली है ना, उसके हक की बात करने वाला कोई नहीं हुआ है। तो बिजनौर की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि बिजनौर वालों, आप बड़े अच्छे लोग हो, ताकतवर हो, पैसे में मजबूत हो, मेहनत कस लोग हो आप, लेकिन आपके वोट को लुटेरा लूट करके लेके चले जाते हैं और फिर आप किस हाल में होते हो वो आपके हाल को जानने वाला कोई नहीं होता। एक आपने बेटा चुना है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पार्टी है जो ढूंढ करके गरीबों को लाती है। और उसकी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।